काम करते करते हमारे हाथ में लग चुका है। देखिए बहुत ही छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत गहरा जख्म है। सेवन डी मैट लगाने से पहले सबसे पहले आपको जो है वैक्यूम क्लीनर से अपना जो मैट है पहले से आया हुआ उसको साफ कर लेना है। तो हम इसको वैक्यूम को ऑन करके इसको साफ कर लेंगे। तो अब हम जो है पीछे डिग्गी का जो 70 मैट है वो लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा मैट जो है और यहाँ पे कटिंग भी हुआ है। देखो ये जो है कार के सीट के नीचे चला जाएगा और आपको मैं दिखा दूँ कि वेलक्रो कितने अच्छी तरीके से अभी से ही लग जा रहा है। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मदद चाहिए होगा क्योंकि इसको पहले तो अंदर डालना है और उसके बाद जो है वेलक्रोस लगा देनी है। लेकिन जो वेलक्रोस है वो इतना पावरफुल है कि वो पहले से ही लग जा रहा है। तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो है अंदर जा ही नहीं पा रहा है, उसके पहले ही वेलक्रो लग जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जो वेलक्रो है वो अच्छे से चिपके ना पहले आप उसको। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुका है ये जो हमारा मैट है। तो अभी जो है मैं वेलक्रो जो यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए ये वेलक्रो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वेलक्रो से लगा देता हूँ ताकि ये खिसके ना। और आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये गाड़ी के साथ चिपक गया है जो वेलक्रो है। और इसके नीचे जो ईवा मटेरियल है तो ये पूरा अंदर के जो पुराना वाला जो हमारा मतलब अंदर गाड़ी के अंदर लग के आया था उसके साथ ने अच्छी तरीके से चिपक गया है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे जो हमारे टूल्स है, तो पहले हम क्या करेंगे इनको हटा लेंगे ताकि ये वाला जो पार्ट है हम अंदर टल डाल सकें और उसके ऊपर जो है हम टूल्स लगा सकें। तो पहले तो मैं अनस्क्रू कर दूंगा इस वाले सेक्शन को और टूल्स को निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसको अच्छे से लगाएंगे और फिर बाकी वेलक्रोस लगा देंगे लास्ट। तो अभी जो है हम बीज वाले सेक्शन का लगाने वाले हैं जो हमारे 70 मैट है। तो ये देख सकते हो इसको हम पहले साइज़ में बिठा लिया, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ये सामने चला जाएगा ड्राइवर सीट के नीचे और बाकी जो कटे फूटे पोर्शन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया। तो ये देखिए बीज वाले सेक्शन का जो 70 मैट है ये लग चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके नीचे जो है यहाँ पे कट्स बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है हमने ताकि ये हिले हुले ना। और आप उस तरफ भी देख सकते हैं, उस तरफ मैं दिखा देता हूँ कि देखिए वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुका है। तो ये बीच वाले सेक्शन का हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है 70 मैट। तो ये जो हमारा कोर ड्राइवर सीट उसके नीचे मैट लग चुका है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फोल्ड भी हो गया है मैट, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भी सीट के साइड से हमने लगा लिया है। जो ड्राइवर सीट है उसके नीचे का जो बेस मैट है ये लग चुका है। देखिए ये वाला जो पॉकेट हमने आपको बताया था कि ये पॉकेट यहाँ पे है और यहाँ पे एक बटन होना चाहिए था जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक बटन होना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं डाल के उन्होंने वहाँ डाल दिया जो कि कुछ काम का नहीं है। देखिए वहाँ पे कुछ भी काम का नहीं बन रहा है वो, शायद मैं इस तरफ अगर इसको झुका देता हूँ तब जाके थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन उस बटन के ऊपर ये देने का क्या फ़ायदा मुझे तब मालूम नहीं पड़ा, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो हम जो है फाइनल जो मैट है यहाँ पर लगा देते हैं और देखते हैं कि ये यूज़ में कैसा आता है। देखिए आप अपने पैर को यहाँ पर रेस्ट करके आप गाड़ी चला सकते हो, आई डोंट नो कि कितना कंफर्टेबल होगा इसको चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो बस इतना ही था ये 70 मैट वाला वीडियो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चारों ओर से। तो गाइस काम करते करते हमारे हाथ में लग चुका है, देखिए बहुत ही
छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत गहरा जख्म है, तो आप लोग केयरफुल रहिए जब भी 70 मैट लगा रहे हो। और बेसिकली ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ पे ये चोट लगी हमको,